तीन बार लगातार हार देखने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। भय और भ्रम फैलाने का काम इनका पुराना है और देश को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहां एक और पूरी दुनिया में भारत को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जाता है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, वहीं पर इस तरह के बेतुके बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आना दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति क्या है। वो देश का नुकसान कैसे करना चाहते हैं, देश के लोगों में भय कैसे पैदा करना चाहते हैं, और ये भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस बंद करे। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस कांड के बाद शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा के पास तो गए नहीं थे, लेकिन उनके घर तो नहीं गए, लेकिन जो आतंकवादी मरे उनके घरों पे अफसोस जताने कांग्रेस के लोग गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये नेता जो कांग्रेस के जो आज बयान दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या वो सलमान खुर्शीद जी के इस बयान से सहमत हैं? क्या ये कांग्रेस का एक प्रयास देश में अराजकता फैलाने के लिए नहीं है? क्या देश में एक बार फिर वो संकट खड़ा करने का प्रयास जो कांग्रेस बार बार करती रही,